मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया क्वेश्चन को ज्यादा ही, इसलिए सॉल्व नहीं हुआ। देखते हैं क्या है। तो हाँ भाई पूछो, क्या पूछना है पुष्पेंद्र बताओ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग बताओ। सर। ये डाउट था मुझे अभी, मैंने आपको मैसेज भी किया था, तो मैं सर थोड़ा सा ये कंफ्यूज था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए, BHU या फिर DU। अच्छा, आप आपके 188 मार्क्स CUET में है ना, यस सर, आपके इधर ना। आप क्या कैटेगरी यस है सर, आपकी, जनरल है OBC NCL सर, तो OBC है फिर OBC तो। OBC हाँ तो ठीक है, जब OBC है तो तुम्हें DU भी मिल जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, आगे एकेडमिक में आना है तो प्रोफेसर बनना है, सर, एकेडमिक तो एकेडमिक में आना ठीक तो है। तो देर यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है CUET के थ्रू, DU तुम्हें मिल भी जाएगा, OBC में तो आराम से मिलेगा। इसे BSc में। हाँ स्टैटिस्टिक्स में कर लो, फिर बाद में MSc कर लेना है स्टैट्स में ही। अब MSc कहाँ से करोगे तुम्हें डिसाइड करना है, इंडिया में इतने इंस्टीट्यूट है, तुम IIT से भी कर सकते हो, नहीं IISc सर, से भी। एक्चुअली हाँ नहीं, सर, थोड़ा सा उल्टा बोल दी मैं, मत करना मिसअंडरस्टैंडिंग सॉरी, हो गया है। मैं नहीं नहीं मैं मैंने गलत बता रहा मैंने हूँ। मेरा BSc हो गया है, मैंने CUET, नहीं नहीं मैं गलत बता रहा हूँ। हाँ हाँ वो मैं मैंने PhD CUET बोलना चाह PG रहा था। दिया है सर। हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं जो BSc लिखा था वो MSc था, और हाँ जो हाँ MSc था वो PhD था एक्चुअली, तो वो मैंने गलत। हाँ हाँ तो MSc आप DU हाँ से कर हाँ लो, सर, हाँ हाँ PhD आप IIT से कर सकते हो, जहाँ से भी करना चाहो, जितने इंडिया में इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT है या IISc है या बहुत सारे ISI है या सेंट्रल हाँ यूनिवर्सिटी जो है सर, उनसे। छोटा सा ये कन्फ्यूजन था मेरे मेरे मे जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है कॉलेजेस पे, थोड़ा सा जानकारी जो मुझे मिली है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है एकेडमिक का उतना अच्छा सेटअप नहीं है जहाँ तक सुनने में आया है, जो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स से, कुछ वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मेरी बात हुई, तो DU ज़्यादातर लोगों ने प्रेफर किया है। जी हाँ मैं भी वही प्रेफर कर रहा हूँ, अगर आपको मिल भी तो जाएगा ये बोल रहा हूँ। प्लेसमेंट के, हाँ दोनों रास्ते आपके पास हैं, यहाँ पर प्लेसमेंट भी है प्लेस अगर एकेडमिक जैसे भी। आप, हाँ सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना। यस दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ इसमें दोनों रास्ते हैं, एकेडमिक्स में भी जा सकते हो, प्लेसमेंट भी यहाँ होते हैं, पर एकेडमिक्स आगे आप PhD मतलब MSc तो कर लिया आपने, मतलब MSc आप करोगे, BSc हो गया तो MSc आप DU से हाँ कर लो, फिर बाद में PhD करना हो तो PhD कहीं से भी कर सकते हो, IIT से भी कर सकते हो, मतलब इंडिया में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ये है ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो यही ठीक है क्वेरी सर, था ना एक आपका। और सर लास्ट डाउट है। हाँ हाँ एक और सर लास्ट डाउट है। सर जैसे आफ्टर CSIR नेट या फिर बोले JRF, तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डायरेक्ट हम एलिजिबल रहते हैं CSIR नेट JRF के बाद? जी, अभी तो एलिजिबिलिटी यही है, एलिजिबिलिटी यही है, मतलब आप एलिजिबल हो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, बट द थिंग इज, अप्लाई करने के लिए हाँ बट थिंग है कि आपका सिलेक्शन होगा, ये या नहीं। प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका पास MSc प्लस नेट है, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो PhD भी कर चुके हैं प्लस उनके पास नेट है, जी तो जब आप इंटरव्यू आप देने जाओगे और वो देने जाएंगे, तो पैनल जो इंटरव्यू पैनल है वो किसको प्रेफर करेगी। PhD हाँ होल्डर। तो इसीलिए आप एलिजिबल हो और आपका सिलेक्शन भी हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, मेरा खुद जूनियर अभी मैं एग्जांपल रामानुजन कॉलेज में है, वो IIT बॉम्बे से MSc किया, वो रामानुजन कॉलेज में परमानेंट प्रोफेसर है, वो MSc करके जस्ट PhD अभी स्टार्ट करेगा, वो PhD किया भी नहीं है, तो हो सकता है आप अगर ये प्रूव कर पाओ कि MSc के साथ भी आप बेटर हो उन PhD कैंडिडेट से, अगर उनको लगा कि यू आर द बेटर कैंडिडेट, तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, यू आर एलिजिबल एक्चुअली। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो MSc ठीक के है सर, बाद भी लगे हैं बाकी जॉब में, मतलब लगे हैं ऐसे जॉब कर रहे हैं, परमानेंट भी हुए हैं ऐसे लोग भी हैं। बाकी ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, ये ऑप्शन तो है ही हमारे पास MSc नेट के बाद, इसके बाद। हाँ हाँ MSc करके नेट के बाद आप जितने अच्छे अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे आप आराम से कर सकते हो जॉब, ये भी ऑप्शन है। ठीक है सर, यही डाउट था। ठीक है थैंक यू। हाँ ओके थैंक यू सर। चलो भाई, बाकी डाउट वाले लोग जिनके डाउट्स हैं बताओ।